दोस्तों, जब आप इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश करते हो या बोलने की कोशिश करते हो, इंग्लिश में या कोई भी नया काम आप करने की कोशिश करते हो, तो ज़्यादातर लोग आपकी खिंचाई करेंगे। ज़्यादातर लोग आपसे कहेंगे, अगर ये चले गए, इन्हें छोड़ गए, अंग्रेजी की टांग मत तोड़े। हाँ हाँ, हमें मालूम है तो अंग्रेजी सीख रहा है। ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार और ऐसे परिवार वाले सब जगह होते हैं, लेकिन जिन लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है वो ध्यान रखते हैं। एक स्टोरी, इंडियन कॉकरोच। इंडियन कॉकरोच की एक ऐसी स्टोरी मैं अभी आपको सुनाऊंगा, जैसे सुनने के बाद आपको खराब लगना बंद हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि जब लोग आपसे कहते हैं, अंग्रेजी की टांग मत तोड़े, अंग्रेज मर गए, इन्हें छोड़ गए, हाँ हाँ हमें पता है तूने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, तो आपको एकदम से आप डीमोटिवेटेड महसूस करते हो और आप उस काम को कई बार करने से बचने लगते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी कभी आपको कोई खराब बोले तो आप उसे एक स्टोरी सुनाएंगे, इंडियन कॉकरोच, और ये स्टोरी सुनने के बाद लोग आपका मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। और आप जब कभी भी कोई आपकी मजाक उड़ाए तो आप उसे बस मन ही मन बोल दीजिए, इंडियन कॉकरोच। अब एक दो बार जब बोलेंगे तो वो सुन भी लेगा, इंडियन कॉकरोच, और फिर वो आपसे जरूर पूछेगा, अरे भैया क्या है, क्या बोल रहे हो, इंडियन कॉकरोच बोल रहे हो? तो आप उसे बस वो कहानी सुना दीजिएगा, और कहानी सुनाने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा और उसे खराब महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, क्या है ये इंडियन कॉकरोच की कहानी। दोस्तों, एक बार अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और वहाँ एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझ जैसे व्यक्ति को भी बुलाया गया, और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के जार रखे हुए हैं, और उन जार के अंदर कॉकरोचेस हैं। सारे जार्स के ढक्कन बंद हैं, सारे जार्स के ढक्कन बंद हैं। कोई अमेरिका का है, कोई रशिया का है, कोई जर्मनी का है, कोई न्यूजीलैंड का है, कोई चाइना का है, सारे जार्स के ढक्कन बंद हैं और सबके अंदर कॉकरोचेस हैं। लेकिन मैंने देखा उन्हीं के बीच में एक जार रखा था जिस पे लिखा हुआ था इंडिया, और इस जार का ढक्कन खुला हुआ था। अब मुझे जब ढक्कन खुला हुआ दिखाई दिया तो मुझसे रहा नहीं गया, यार ये सब क्या है, ये सारे के सारे जार्स के ढक्कन बंद हैं और इस जार का ढक्कन खुला हुआ है। आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो मैंने वहाँ बुलाया किसी व्यक्ति को और मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों है कि इस जार का ढक्कन खुला छोड़ दिया है आपने, ये कॉकरोच निकल के भाग नहीं जाएंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं आप आइए, जरा पास में आइए, ध्यान से देखिए। तो मैंने देखा कि कुछ कॉकरोचेस उसमें ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही भाई, वैसे तो वो सारे के सारे कॉकरोच एक गुच्छे में, एक बंच में पड़े हुए थे, लेकिन उनमें से जो कोई भी एक ऊपर चढ़ने की, उस जार से बाहर निकलने की कोशिश करता, तो जो एक नीचे वाला कॉकरोच था उसकी टांग पकड़ के खींच लेता। अब एक दूसरे कॉकरोच ने कोशिश किया, मैंने देखा उसकी भी टांग पकड़ के खींच ली। फिर एक तीसरे कॉकरोच ने ट्राई किया, उसकी भी टांग पकड़ के खींच ली। अब मुझे समझ में आ गया कि ये कॉकरोचेस इस जार से बाहर कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ इंडियन कॉकरोचेस हैं। तो मुझे लगता है कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। इंडिया में भी जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फिर लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसको डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। तो ऐसे में आपको मिल जाएंगे इंडियन कॉकरोचेस समाज में हर जगह घूमते हुए। तो आपको, मुझे लगता है स्टोरी से मतलब समझ आ गया होगा कि ऐसे इंडियन कॉकरोचेस खुले हुए घूम रहे हैं जो आपकी टांग खींचेंगे। तो क्या आपको टांग खींचने देना है या उन्हें स्टोरी सुना देना है? फिर मैंने पूछा, मैंने कहा इन सारे बाकी जार्स का क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि यदि हमने इन जार्स के ढक्कन खोल दिए तो ये सारे के सारे बाहर निकलेंगे और सारे में फैल जाएंगे। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कॉकरोचेस आगे नहीं बढ़ने देते। तो ऐसे ही कॉकरोचेस आपके साथ भी होंगे, आपके आसपास भी होंगे। रिमेंबर दिस स्टोरी ऑफ इंडियन कॉकरोचेस एंड टेल इट टू द पीपल हु क्रिटिसाइज यू, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, उन्हें बस एक स्टोरी सुनानी है, इंडियन कॉकरोच। जब भी वो आपको क्रिटिसाइज करें, आपको हल्के से मुंह खोलना, कहना इंडियन कॉकरोच। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आपसे स्टोरी भी पूछेगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, hit the like button and share it with your friends. Thanks for watching. Milte hain aapse fir ek wonderful video ke saath. Bye bye.